हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप कौर तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पीएस टेट टारगेट कर रहे हैं, जो बीएससी बीएड हैं, या किसी भी कोर्स के साथ बीएड की हुई है और पीएस टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं ना, वो उसमें मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये टर्म किसने दी थी। तो एटलीस्ट 50 थ्योरीज और टर्म्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, इस 50 से अब करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फादर ऑफ साइकोलॉजी के ने माना जाता है विलियम वुंट को। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब भी विलियम वुंट ने बनाई थी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की टर्म भी, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज की गई है, तो विलियम वुंट के द्वारा ही है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को माना जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर, टी से थॉर्नडाइक याद रख सकते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी थॉर्नडाइक ने दी थी। एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में भी थॉर्नडाइक ने बात की थी। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट थॉर्नडाइक ने दी थी, लेकिन मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को आप इससे कंफ्यूज मत करना, वो गार्डनर ने दी थी, जिसके 8 फैक्टर होते हैं। मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उसके 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, उसने कहा। तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय स्पीयरमैन। कौन से हैं वो 2 फैक्टर? जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। 3 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी। मेंटल एज टर्म यूज की थी फर्स्ट टाइम बेनेट ने की थी। फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट बेनेट ने बनाया था। टर्म आईक्यू स्टर्न ने यूज की थी। आईक्यू फॉर्मूला टर्मन ने यूज किया था। और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। ऑपेरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी ये थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पेवलोव, जो कि डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। रीइन्फोर्समेंट, जिसे हम पुनर्बलन कहते हैं, उसकी बात सी एल हल ने पहली बार की थी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी सी एल हल ने दी है। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, सिस्टमेटिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग भी सी एल हल की है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इमाइल दुर्किम को कहा जाता है। फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म जॉन डेवी को कहा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग भी जॉन डेवी ने दिया था, और ये इसको मानते थे, आप कह सकते हैं। और जीन प्याजे भी लर्निंग बाय डूइंग को मानते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्टिविज्म है वो इसको मानेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जब ये वर्ड आ जाएं तो भी आप जॉइन डूइंग ही लगाओगे। एजुकेशन इज बाईपोलर, ये एडाम ने कहा था कि एजुकेशन बाईपोलर है। एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, उनके बीच एजुकेशन का ट्रांसफर होता है। लेकिन एजुकेशन ट्राईपोलर है, ये जॉन डूइंग ने कहा। उन्होंने साथ ही साथ सिलेबस को, मीन्स करिकुलम को भी इंक्लूड किया है। नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो हमारी नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, या इमोशनल नीड्स होती हैं, लग्जरी, तो वो सभी नीड्स का जो हायरार्की बनाई थी मैस्लो ने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात भी मैस्लो ने की थी। साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एरिक्सन ने दी है। सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कल्चर थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लिव वाइगोत्स्की की थ्योरी है, जिनमें जिसमें उन्होंने सोसाइटी का काफ़ी रोल डेवलपमेंट में माना है। सोसाइटी का, लैंग्वेज का, कल्चर का, इन तीनों चीज़ों का रोल लिव वाइगोत्स्की मानते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के बारे में बात की है नॉम चॉम्स्की ने। वो मानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक डिवाइस होती है जिसे LAD बोलते हैं, और वो हमें लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी उन्होंने ही कहा था। साइको एनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्रॉयड ने दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। ट्राईआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग की है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिक एस्पेक्ट पे बात की है। बिहेवियरिज्म के बारे में वाटसन बात करते हैं, इवन ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माने जाते हैं। फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन JMD इटार्ड, स्पेशल एजुकेशन के फादर हैं JMD रिटार्ड इटार्ड। गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड जो टर्म यूज की थी ल्यूस टर्मन ने की थी। फर्स्ट साइको लैब जो बनाई थी विलियम वुंट ने, लिपयग यूनिवर्सिटी उन उसका में बनाई थी, लिपयग यूनिवर्सिटी। इडेंटिटी क्राइसिस, जो कि एडोलेसेंस पीरियड को कहा जाता है, उसे इस
ये टर्म जो यूज की थी आइडेंटिटी क्राइसिस, इरिक्सन ने की थी। अडोलसेंस इज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने कहा है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट जीन प्याजे को कहते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी जीन प्याजे को कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी जीन प्याजे ने दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसके कि चार स्टेजेस होते हैं। वो फोर के फोर स्टेजेस आपने लर्न करने हैं, किस स्टेज में बच्चा कितने साल का होता है, सभी के नेम्स वगैरह। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये कहा था सिगमंड फ्रॉयड ने। मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी गार्डनर ने दी है, जिसकी 8 टाइप्स हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, इस तरीके से 8 टाइप की इंटेलिजेंस उन्होंने कंप्लीट की हैं। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी थी, जिसके 7 टाइप्स हैं, वो भी थ्योरी इंटेलिजेंस की ही है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन। फ्लूइड क्रिस्टल थ्योरी, फ्लूइड मेमोरी क्रिस्टल मेमोरी जो इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, ये आरबी कैटल ने दी है। इन्फेंसी इज डेंजरस एज, ये हरलक मानते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, कोलबर्ग ने दी है। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसके कि हम 3 लेवल और 6 स्टेजेस होती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और इसकी जो क्रिटिसाइज किया था, इसको गिलिगन ने किया था, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज किया था गिलिगन ने, जो उन्हीं की कोलबर्ग की स्टूडेंट है। तो इस वीडियो में मेनली हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। एक और मेरे माइंड में आ रही है बात, जो सैमुअल किर्क थे, उन्होंने इन डिसेबिलिटी की बात की है, यस, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की है, ये भी आप माइंड में रख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।